Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Due to coronavirus, all schools are closed. So, Swastik Public School is giving online classes for all classes. Today, I am going to tell you about first chapter of class 3rd. First chapter is looking back. हमारा जो पहला chapter है, वो है looking back. इस chapter में हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमने सेकंड क्लास में पढ़ रखी है. हमने सेकंड क्लास में क्या करा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न नंबर्स अप टू 999. हमने सेकंड क्लास में 999 तक नंबर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. क्या कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं. तो सो इन दिस चैप्टर वी विल रिकॉल ऑल द 3 digits नंबर. हम सारे 3 digits नंबर को क्या करेंगे, दोबारा से रिकॉल करेंगे. तो आज हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं. जैसा कि हमारा पहला जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है, उस पे हम क्या सीखेंगे, नंबर्स को ऑब्जर्व करना. जैसे कि आपके सामने यहाँ पेज है, फर्स्ट पेज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. इसमें आपको पहले ब्लॉक्स में 100 क्यूब्स के ब्लॉक्स दिए हुए हैं. 100 क्यूब्स के ब्लॉक्स है. In that blocks, there are how many cubes? There are 100 cubes in one block. So we have, हमारे पास hundreds की कितनी blocks हैं? हमारे पास hundreds की आप देखेंगे तो 4 blocks हैं. तो so there is written 400s. How many? 400s. And after that, there are blocks of 10 cubes. उसके बाद हमारे पास 10 cubes के blocks हैं. कितने? 10 क्यूब्स के ब्लॉक्स है. कितने ब्लॉक्स है, तो हमारे पास आप देखेंगे तो 5 ब्लॉक्स है. कितने ब्लॉक्स है, 5 ब्लॉक्स है. 5 ब्लॉक, तो सो वी विल राइट 5 tens. 5 tens. एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे हमारे पास 1 सिंगल क्यूब्स की कितनी ब्लॉक्स है. सिंगल क्यूब्स की जब आप काउंट करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा हमारे पास 8 ब्लॉक्स है. कितने ब्लॉक्स है, 8 ब्लॉक्स है. तो सो जब हम इसको क्या करेंगे, when we will write this number in numerical form, so then it will be 458. तो ये क्या नंबर बन जाएगा, 458 बन जाएगा. जब इसको हम क्या करेंगे, नंबर्स नेम में लिखेंगे, इट मींस वर्ड की फॉर्म्स में लिखेंगे. कौन सी फॉर्म्स में लिखेंगे, when we will write this number as number name या word form, so then it will be 458 हो जाएगा ये. ओके, तो इसी तरीके से हम जब आपका सेकंड आप टॉपिक पढ़ेंगे, तो सेकंड टॉपिक में ऑन द स्पाइक अवेकस द नंबर 784 इज शो एज अंडर. अब देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में कितनी बीट्स है, फर्स्ट वाले में 4 बीट्स है. कितनी बीट्स है, 4 बीट्स है. 4 बीट्स, देयर आर 4 बीट्स. एंड सेकंड वन, इट मींस टेंस की प्लेस पे कितने बीट्स है, 8 बीट्स है. कितने बीट्स है, 8 बीट्स. एंड 100 की प्लेस पे व्हेन यू विल सी, तो देयर आर 7 बीट्स. देयर आर 7 बीट्स. तो ये क्या बन जाएगा, 784, दैट विल बी 784. इसको हम जब वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो दैट मींस जब इसे हम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, नंबर नेम में लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 784. क्या लिखेंगे, 784. अब हम आगे पढ़ते हैं डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स. हम कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम नंबर्स को 3 वे में रिप्रेजेंट करते हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर इन 3 फॉर्म्स. कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ. पहली फॉर्म्स होती है स्टैंडर्ड फॉर्म्स. कौन सी फॉर्म्स होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स. कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म. सेकंड वाली फॉर्म जो होती है वो होती है वर्ड्स फॉर्म. कौन सी फॉर्म होती है, वर्ड्स फॉर्म. थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी वो होती है एक्सपेंडेड फॉर्म. कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है. ठीक है, देखिए 3 फॉर्म्स होते हैं. पहला फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. दूसरा फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म इज वर्ड्स फॉर्म. थर्ड फॉर्म इज एक्सपेंडेड फॉर्म. हम क्या करते हैं, एक नंबर को हम सॉल्व करके देखते हैं. सपोज दैट आई एम टेकिंग 569, जो कि आपके नोटबुक में भी एग्जाम्पल है. तो
तो आप उससे भी समझ सकते हैं 569. इसके अभी हमने कितने फॉर्म सीखे बच्चों? अभी हमने सीखे तीन फॉर्म्स. हाउ मेनी फॉर्म्स? वी लर्न थ्री फॉर्म्स. कौन कौन सी थ्री फॉर्म्स होती हैं? एक होता है हमारा नंबर्स वाले फॉर्म में होती है, पहला जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है न्यूमेरिकल. कौन सा फॉर्म होता है? न्यूमेरिकल. दूसरा होता है हमारा वर्ड्स फॉर्म. कौन सा फॉर्म होता है? वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं. एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडेड फॉर्म. थर्ड वन इज एक्सपेंडेड फॉर्म. हमारे पास जो नंबर था वो क्या था? 569. क्या था बच्चों? 569. इसको हमें वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ये तो हमारा नंबर की फॉर्म में था 569. इसको हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वी विल राइट 569. अब हम यहां पर नया जो मेथड सीखने जा रहे हैं, नया जो फॉर्म सीखने जा रहे हैं वो है एक्सपेंडेड फॉर्म. कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म. तो हमें क्या करना है? 500. कितना है? जो पहला वाला होता है, जो फर्स्ट होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड. जो फर्स्ट है वो क्या है? 500. फिर प्लस 6 टेंस. टेंस मींस 6 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है तो हम क्या करेंगे? 10 प्लेस कर देंगे. और 9 के बाद कितने डिजिट है? कोई भी डिजिट नहीं है. तो वी विल राइट सिंपली 500 प्लस 60 प्लस 9, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर. दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर. आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, जो हमारी सेल्फ प्रैक्टिस है, फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट वी विल डू. तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, जैसा कि आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने साइड में रिप्रेजेंट करा है, सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स का हम कौन सा पार्ट करते हैं? ए पार्ट. जैसे कि ए पार्ट यहाँ पर सॉल्व भी है. ए पार्ट क्या है? सॉल्व है. मैं ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही करके दिखाऊंगा. बाकी आपको रिमेनिंग जो दो पार्ट्स है, टू पार्ट्स है, वो आपको आपकी नोटबुक में करना है. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में हमारे पास हंड्रेड्स के कितने ब्लॉक्स है? हंड्रेड्स के 8 ब्लॉक्स है. हंड्रेड्स के कितने ब्लॉक्स है बच्चों? 100 के 8 ब्लॉक्स है. और टेंस के कितने ब्लॉक्स है? टेंस के 5 ब्लॉक्स है. टेंस के कितने ब्लॉक्स है? टेंस के 5 ब्लॉक्स है. और वंस के कितने ब्लॉक है? ओनली 1 ब्लॉक है. तो सो देयर इज रिटर्न 800. हाउ मेनी? देयर आर 5 टेंस. हाउ मेनी? 5 टेंस एंड 1 वंस. कितनी वंस है? 1 वंस. अब ऐसे ही हमें क्या करना है? इसका बी पार्ट भी सॉल्व करना है. सॉरी. अच्छा बच्चों, आप बताइए मुझे कि बी पार्ट्स में हंड्रेड्स के कितने क्यूब्स हैं? सॉरी, क्यूब्स. हंड्रेड्स के कितनी ब्लॉक्स है? हंड्रेड की ओनली 1 ब्लॉक है. कितनी ब्लॉक है? 100 की 1 ब्लॉक है. टेंस की कितनी ब्लॉक है? काउंट करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितनी ब्लॉक्स है? 6 ब्लॉक्स है. अच्छा, वंस की कितनी ब्लॉक्स है बच्चों? वंस की ओनली 3 ब्लॉक्स है. कितनी ब्लॉक्स है? 3 ब्लॉक्स है. जब हम इसे क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको अभी फिलअप्स फिल करने सिखाए. इसके आगे जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको दो और कॉलम्स है. एक है जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म लिखना है इनका. कौन सा फॉर्म लिखना है? न्यूमेरिकल फॉर्म लिखना है. और एक है जिसमें हमें क्या करना है, इन दिट वी हैव टू राइट नंबर नेम्स ऑफ सेम डिजिट. सेम डिजिट का हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल फॉर्म भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है. चलिए मैं इसे रिलीज कर देता हूं. और आपका जो इसके बाद वाला पार्ट है,
ए पार्ट का न्यूमेरिकल वाला, ए पार्ट का न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल वाले में कितना होगा, अभी हमने सीखा था पीछे 851, क्या हो गया था 851। नाउ नंबर नेम, तो इसको हम नंबर नेम में, इट मींस वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 851, that is numerical form and that is number name, words form। ऐसे ही आपको इसका B part, C part और D part solve करना है। अब चलते हैं हम अपने second question की तरफ। second question में आप देखिए, second question में A part, यहाँ पर हमारे पास second question क्या दिया हुआ है, represent the following number on the abacus। हमारे पास abacus दिए हुए हैं, abacus में हमें क्या करना है, अपने जो हमारे पास यहाँ abacus के नीचे, देखिए बिल्कुल drop down में, बिल्कुल नीचे back में देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है numbers 4, जो हमारा first वाला A part है उसमें लिखा हुआ है 419। What is written there? 419। तो यहाँ पर ones के place पे कौन सी value है? ones के place पर हमारे पास यहाँ पर 9 है। कौन सी वैल्यू है? 9 है। तो हम क्या करेंगे, वंस वाली स्टिक में, वंस वाली जो स्टिक है इसमें 9 सर्कल ड्रॉ करेंगे। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, इनकी जो स्टिक्स है ये है, और हमारे पास इसमें नंबर कौन सा है, नंबर देखिए कौन सा है, 419। क्या है 419, हमारे पास वंस वाली वैल्यू में क्या है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, 9 सर्कल ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वंस वाली पे 1 4। इसमें हमें कितनी वैल्यूज, कितने सर्कल ड्रॉ करने हैं, 4 3 4, इसमें हमें 4। ओके, तो ऐसे ही करके हमें क्या करना है, इसका बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट सॉल्व करना है आपके नोटबुक में। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है बच्चे हमें, इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज काउंट द बीट्स ऑन ईच स्पाइक ऑफ द अबेकस एंड राइट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड्स फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्या करना है, जो हमारे पास अबेकस है, अबेकस में जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, जो क्या है, बीट्स दी हुई हैं, उन बीट्स को पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स की फॉर्म के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट सॉल्व करते हैं, ए पार्ट में पहले हमें क्या बना हुआ है, अबेकस बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक अबेकस बना हुआ है। उस अबेकस में क्या है, अबेकस में 100 टेंस फंस की वैल्यू है, इनकी स्टिक में क्या है, बीट्स बनी हुई है। तो फर्स्ट वाले में कितने बीट्स हैं, आप देखेंगे 4, कितनी है, 1 2 3 and 4। सेकंड में भी कितनी है, 4 1 2 3 4, एंड हंड्रेड्स वाली में कितनी है, 1। हमें क्या करना है, इसके आगे एक टेबल बनी हुई है हमारे पास, उस टेबल में तीनों फॉर्म्स है, कौन कौन सी फॉर्म्स है, तीनों फॉर्म्स है, ए पार्ट है हमारा, कौन कौन से फॉर्म्स है, 1 2 3। तो फर्स्ट वाले फॉर्म में कौन सा वाला है, न्यूमेरिकल। सेकंड वाले में कौन सा हमारे पास, सेकंड वाले में वर्ड फॉर्म, वर्ड। और थर्ड में कौन सा है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सर इसमें 2 है, कितनी है, 2 है, कितनी है, 2, 2 बीट्स है, तो 2 4 4, तो ये हमारा कितना हो गया, 244। यहां हम वर्ड्स में लिखेंगे 200 2 100 FORTY 40
FOUR 244। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, टू के बाद कितनी डिजिट है, टू डिजिट है, तो टू जीरोस, फोर के बाद कितनी डिजिट है, वन डिजिट है, तो फोर और वन जीरो, फिर लास्ट में ओनली फोर, तो दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही आपको ऐसे ही सारे बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट, आपको सॉल्व करके रखना है। कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ से। थैंक यू।